व्यक्त बड़ी खबर आपको बता देते हैं, क्योंकि बालासोर ट्रेन हादसे को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। खुलासा यह है कि इंटरलॉकिंग सिस्टम में छेड़छाड़ हुई है, रिपोर्ट के अंदर ये सामने आया है। जैसा कि अश्वनी वैष्णव की तरफ से कहा गया था, बखूबी वैसा ही देखने को मिल रहा है कि छेड़छाड़ हुई। ओडिशा जीआरपी ने एफआईआर भी दर्ज कर ली है, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हालांकि कहा जा रहा है कि खुलासा बड़ा हुआ है और बालासोर ट्रेन हादसे को लेकर इस वक्त आपको बड़ी खबर दे रहे हैं, क्योंकि इंटरलॉकिंग सिस्टम से छेड़छाड़ हुई, ये रिपोर्ट कहती है। लेकिन अश्वनी वैष्णव की तरफ से भी ये कहा गया था कि ऐसा ही हो सकता है और वही जांच में सामने आए। ओडिशा के बालासोर में हुए ट्रिपल ट्रेन हादसे की शुरुआती जांच में ये जानकारी मिली है कि सिस्टम से जानबूझकर कोई छेड़छाड़ की गई है, और इस बीच कई सारे सूत्रों की तरफ से ये जानकारी सामने आ रही है और दावा किया गया है कि एक्सीडेंट में इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम में गड़बड़ी हुई और उसके कारण ये हादसा हुआ है। बिना छेड़छाड़ के ये संभव ही नहीं है कि मेन लाइन के लिए निर्धारित रूट लूप लाइन में बदल जाए। ये बड़ी अपडेट आप सभी को बता रहे हैं बालासोर ट्रेन हादसे से जुड़ी। बिल्कुल, हालांकि सीबीआई इस वक्त जांच कर रही है और सीबीआई की तरफ से पूरी चीजों को खंगाला जा रहा है, सबूतों को इकट्ठा किया जा रहा है, क्योंकि सीबीआई इस वक्त जांच करेगी तो और भी दायरा आगे बढ़ेगा और भी सबूत सामने आएंगे कि आखिर क्या वाकई इंटरलॉकिंग सिस्टम से ही छेड़छाड़ हुई या फिर वजह कुछ और है। लेकिन ये शुरुआती जानकारी है, इसलिए आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। इस बीच रेलवे सुरक्षा आयुक्त कहें कि जांच कर रहे हैं, सीबीआई अब जांच करते हुए हर्ष नजर आ रही है। आशा करते हैं कि जल्द से जल्द पता चल पाए कि किस कारणवश यह हादसा हुआ।